नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको बताएंगे इमरजेंसी लाइट के बारे में। जो इमरजेंसी लाइट होती है उसमें क्या होता है, एलईडी वगैरह ख़राब हो जाती हैं, एलईडी के कनेक्शन टूट जाते हैं, तो मतलब एलईडी के कनेक्शन कैसे करेंगे और क्या कहते हैं जो एलईडी ख़राब हो जाती है उसे कैसे बदलेंगे, तो वो भी बताएँगे कि एलईडी कैसे बदलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और आपको दिखाते हैं कि एलईडी को कैसे बदलें और इमरजेंसी लाइट को कैसे रिपेयर करें। देखिए दोस्तों, ये हमारे हाथ में एक इमरजेंसी लाइट है और इसमें क्या है कि एक तो ये हरा वाला वायर टूटा हुआ है, ये वाला देखिए ये वायर टूटा हुआ है, लेकिन इसे वायर लगाने से भी नहीं जल रही है। देखो हम आपको दिखा भी रहे हैं, इसे वायर को हाथ से रोका और घुमा रहे हैं लेकिन नहीं जल रही है। तो इसका मतलब अंदर से कोई फॉल्ट हुआ है, या तो कोई बैटरी का वायर टूटा है या और भी कुछ हो सकता है। तो चलिए पहले इसे खोलते हैं, खोलने के बाद देख लेते हैं कि इसके अंदर हुआ क्या है, कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुई है इसलिए नहीं जल रही है, क्योंकि ये अभी तक तो सही जल रही थी, तो ये कल से एकदम से बंद हो गई है। तो चलिए देखते हैं, खोल के इसे खोल लेते हैं। देखिए कि इसमें जो पीला वाला वायर है ये शायद हो सकता है खोलने पे टूट गया, वैसे तो हमें टूटा ही लग रहा है, अंदर से ब्रेक हो गया होगा। यहाँ पे जो रेगुलेटर लगा हुआ है, ये देखिए डायोड के पॉजिटिव से एक ग्रीन वाला वायर लगा हुआ है, ये पॉजिटिव सप्लाई आ रही है, और ये जो क्या कहते हैं ये निगेटिव सप्लाई, ये देखिए यहाँ पर आप पॉइंट देख रहे हैं सोल्डरिंग का, ये पीला वाला यहीं पे लगा था, तो यहाँ से रेगुलेटर से आ रही है। तो ये देखिए हमारे पास एक आयरन है, इससे हम आयरन से इस टाँके को लगा देंगे तो ये जल जाना चाहिए, लेकिन ये ऊपर वाला भी वायर टूटा हुआ है तो उसे भी लगाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। अगर फिर भी नहीं जलती है तो फिर एलईडी में प्रॉब्लम होगी, एलईडी वगैरह भी ख़राब हो जाती हैं, एलईडी भी जलते जलते जो है फ्यूज हो जाती हैं, तो एलईडी भी बदलना पड़ता है। तो पहले हम ये भी देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम हुई है, तो उसके बाद जो है देखते हैं, थोड़ा आयरन गर्म हो जाए। देखिए आयरन गर्म हो गया है और इस टाँके को इसमें लगा देते हैं जो टूट गया है, क्योंकि इसके अंदर जो वायर वगैरह होते हैं काफ़ी पतले वगैरह लगे होते हैं और टाँका कभी सही भी नहीं लगे हुए आते हैं, या कभी लूज हो जाते हैं, या कभी ये लाइट गिर जाती है इमरजेंसी, कई कारण होते हैं जो मतलब इसका ही वायर वगैरह टूट जाते हैं, थोड़ा बहुत हीट भी हो जाते हैं तो उस तरीके से टूट जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ से निकल भी गया ये जॉइंट जो लगा हुआ था यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, पहले हम इसको टाँके को लगा लेते हैं, फिर इस जॉइंट को दोबारा जोड़ देंगे। जो पीले वाले वायर से जो जॉइंट लगा हुआ था इस पर खिंच गया, मैंने इसे इधर लगाया तो थोड़ा खिंच गया, तो इसलिए यहाँ से अलग हो गया। ये देखिए, तो ये जो टेप लगा हुआ है इसे हटा देते हैं और उसके बाद जो ये इसमें जोड़ देते हैं। पहले से ही लगा था, ये छोटा था वायर तो इसमें लगा रखा था, तो चलिए इसे हम लगा देते हैं, बाद में टेप लगा देंगे, पहले हम इसे चेक कर लेंगे। तो ये देखिए जो ऊपर जो वायर टूटा हुआ था अभी मैंने आपको दिखाया था, तो उसको भी टाँका लगा दे, देखिए जलने लगी। इसे जैसे लगाया तो ये जलने लगी, लेकिन वन साइड जल रही है, अभी दूसरी साइड की नहीं जल रही है, देखिए एक पट्टी जल रही है। तो अभी इसमें हमें लग रहा है यहाँ पे जो ऊपर दूसरी पट्टी लगी हुई है, यहाँ पे जो कनेक्शन होते हैं बहुत छोटे छोटे से वायर होते हैं, जो मतलब दूसरी पट्टी को ये दोनों पट्टियों में एक एक सप्लाई लगी हुई है निगेटिव पॉजिटिव, तो अब दूसरी पट्टी को भी सप्लाई चाहिए। देखिए ये जो है लूज है यहाँ पर, ये जो है सोल्डरिंग सही नहीं लगी हुई है इनमें, ये भी सही से मतलब लगी होती बहुत बढ़िया करके तो ये नहीं लूज होती, लेकिन फिर भी ये लूज है यहाँ से, तो हम क्या करें इन दोनों साइड में सोल्डरिंग बढ़िया कर देंगे, इधर उधर दाएं बाएं कोई सी एक लूज है, लेकिन फिर भी हम दोनों में सोल्डरिंग मार देंगे बढ़िया करके, तो हमारी दोनों लाइटें जल जाएंगी। ये ज़्यादातर प्रॉब्लम गिरने से भी हो जाती है, जैसे लाइट मान लिया उठाई हाथ से छूट गई गिर गई तो उसमें वायर भी टूट जाते हैं, ये वायर भी मतलब यहाँ से भी ब्रेक हो जाते हैं। तो ये देखिए पतले जो वायर लगे हुए हैं एक दूसरे को सप्लाई देने के लिए लगे हैं, क्योंकि दोनों पट्टियों में एक एक सप्लाई है, तो एक सप्लाई को निगेटिव वाले को पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव वाले को निगेटिव चाहिए, इस तरीके से ये दो सप्लाइयाँ लगाई जाती हैं, इससे पूरा हमारा सर्किट हो जाएगा। जब सर्किट पूरा हो जाएगा तो ये एलईडी जलने लगेंगी, अदरवाइज़ एक ही पट्टी जलेगी, दो पट्टी नहीं जलेंगी। अगर एक तरफ जो आप पतला वायर देख रहे हैं जो इसे सोल्डिंग कर रहे हैं, अगर एक साइड का लगा होगा तो एक तरफ की ही पट्टी जलेगी, दूसरी नहीं जलेगी, दोनों जलाने के लिए दोनों को सप्लाई चाहिए होती है निगेटिव पॉजिटिव, तभी ये जलती हैं। तो इस तरीके से दोनों पट्टियों को जोड़ना है, हल्के से टाँका लगा देना है, अगर ये छूट गया है तो नहीं छूटा है तो नहीं कुछ करना है, ऐसे रहने देना है, फिर ऐसे जल जाएंगी। और बहुत ज़्यादा देर तक आयरन नहीं रखना है एलईडी के पास में, नहीं तो एलईडी ख़राब हो जाएगी। हल्का सा लगाना, हटा लेना, लगाना, हटा लेना, इस तरीके से एलईडी को पास जो है कनेक्शन किए जाते हैं। अगर ज़्यादा देर तक रखे रहेंगे और सोल्डर लगाएंगे तो एलईडी हीट होकर ख़राब हो जाएगी। देखिए एलईडी सारी जल गई हैं, इसमें फिर भी अभी एक एलईडी ख़राब है, आप देखिए जहाँ से जो पीला वाला वायर है वो एलईडी अभी नहीं जल रही है, वो एलईडी बिल्कुल ख़राब है, बाकी एलईडी जल रही हैं।
तो चलिए कोई बात नहीं है कि एलईडी ख़राब है, ज़्यादा एलईडी ख़राब होती तो हम इसे बदल देते। तो ये जो यहाँ पे भी जॉइंट अलग हो गया था, टेप लगा हुआ था, दोबारा से हम यहाँ पे टेप लगा देते हैं। चाहे आप सेलो टेप लगा दें, चाहे जो इलेक्ट्रिकल टेप आता है जो काला वाला, चाहे वो लगा दें, कोई सा भी टेप लगा दें, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अंदर टच नहीं होना चाहिए, निगेटिव पॉजिटिव कहीं टच हो जाएगा तो बैटरी हीट होकर ख़राब हो जाएगी और ये तार वगैरह भी गर्म होकर जल जाएँगे। तो क्योंकि इसे बहुत बचाना ज़रूरी है, टेप हर जगह लगाना चाहिए जिससे कोई भी सप्लाई आपस में टच ना हो। तो इस तरीके से मैंने इसे टेप भी लगा दिया है। और इसमें होता क्या है, जो रेगुलेटर है ये कम ज़्यादा करने वाला है, मतलब सप्लाई को यहाँ से भी कभी कभी, अभी मैंने दिखाया यहाँ से ही टूटा था, लेकिन कोई सा भी वायर टूट सकता है। यहाँ ज़रूरी नहीं यहीं से ही टूटे, पॉजिटिव वाला भी टूट सकता है, निगेटिव वाला भी टूट सकता है, कहीं से भी टूट सकता है। देखिए अच्छी, मतलब बिल्कुल सही आ गई है, सही जलने। तो इसी तरीके से इसके अंदर जो वायर होते हैं निगेटिव पॉजिटिव वगैरह, वही टूट जाते हैं या फिर एलईडी ख़राब, और कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। और जो बैटरी वगैरह जो ख़राब होती है, कैसे क्या उसे सही करें या उसके तार वगैरह लूज हों, तो उसे जो है चेक कर लेना चाहिए। वैसे तो इसमें कोई ख़राबी है नहीं। तो देखिए हम इसको बंद भी कर दे रहे हैं, बिल्कुल सही जल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आपको एलईडी भी दिखाते हैं। ये देखिए हमारे पास एक पट्टी है एलईडी की, ये मार्केट में आपको इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पर मिल जाएगी, तो वहाँ ये आपको मिल जाएगी। इसे आप प्लास से मतलब बीच से काट लें या घुमा घुमा के इस तरीके लचा के तोड़ टूट जाएगी, और जितनी ज़रूरत हो वहाँ से आप तोड़ सकते हैं। ये पतली कैंची मतलब कटेगी, मोटी कैंची हो या फिर प्लास हो या फिर घुमा के जहाँ से तोड़ना है घुमा के दो तीन बार घुमाएंगे, अल्मोनियम टाइप की होती है, तो आराम से टूट जाती है। अब ये जो एलईडी है इनको चेक करना कैसे है कि इसमें नई एलईडी भी कभी कभी ख़राब एक दो निकल जाती हैं, मुड़ जाती हैं, इसलिए लाने में ख़राब हो जाती हैं। तो इसमें देखें निगेटिव पॉजिटिव दिया हुआ है, तो किसी एक एलईडी को चेक करें सारी एलईडी जल जाएँ, क्योंकि ये पूरी पट्टी बनी हुई है। तो इस तरीके से सारी एलईडी जो है चेक हो जाएंगी, अगर उसमें कोई एलईडी ख़राब होगी तो वो एलईडी नहीं जलेगी। तो अभी हम आपको मल्टीमीटर से भी चेक करके दिखाएंगे ये एलईडी किस तरीके से नई एलईडी चेक कर सकते हैं। तो इस पट्टी में कोई भी एलईडी ख़राब होती है या कुछ भी होता है तो मल्टीमीटर चेक करने से मालूम हो जाता है, तो उतनी एलईडी निकाल देना चाहिए और बाकी लगा देना चाहिए। चेक करने से ये फ़ायदा रहता है, अगर आप डायरेक्ट लगा देंगे तो चेक नहीं हो पाएगी, तो उसमें लगाने के बाद पता चलेगा कि अरे इसमें तो एक एलईडी ख़राब है, तो ये चीज़ जो है बिना चेक किए हुए प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखिए इसमें क्या करना है, एलईडी जो है इसमें दाएं बाएं एक प्रॉब लगानी है कि दाएं बाएं जिधर मतलब सीधी लगेगी तो एलईडियां जलेगी। थोड़ा सा अंधेरा कर लेते हैं जिससे कि आपको दिख जाए, क्योंकि इस मल्टीमीटर में 1.5 वोल्ट का जो है सेल होता है उसी से हल्की रोशनी देगा। देखिए सारी एलईडियां जल रही हैं, देखिए सारी एलईडियां जल रही हैं, तो इसमें एक एलईडी नहीं जल रही जहाँ पे हम चेक कर रहे हैं उसे, एक एलईडी को छोड़ के आप देखिए ध्यान से, एक एलईडी नहीं जल रही है। तो इसका मतलब ये एलईडी हमारी ख़राब है, देखिए ये एलईडी नहीं जल रही है। इसके आगे एक और ये वाली, हाँ ये एलईडी नहीं जल रही है, तो ये एलईडी ख़राब है और बाकी सारी एलईडियाँ जल रही हैं। थोड़ा थोड़ी हल्की हल्की जल रही हैं क्योंकि मल्टीमीटर चेक कर रहे हैं, तो लेकिन इससे चेक हो जाता है कि एलईडी कितनी ख़राब है कितनी सही है, क्लियर मालूम हो जाता है, और मल्टीमीटर की थोड़ी सुई भी उठती है। तो आप देखिए इस तरीके से एलईडी को चेक भी कर सकते हैं, चाहे डिजिटल मल्टीमीटर हो, चाहे हमारा क्या कहते हैं एनालॉग वाला हो, या एनालॉग वाला है मेरे पास सुई वाला, इससे भी चेक हो जाती है, सबसे चेक हो जाती है। तो मैंने आपको भी चेक करके दिखाया कि एलईडी को पट्टी को कैसे चेक किया जा सकता है, ख़राब है या है सही है। इसी तरीके से आप भी चेक कर सकते हैं नई एलईडी को, अगर वैसे चाहें तो वैसे भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो अब हम आपको इसको चार्जिंग करके दिखा रहे हैं कि चार्जिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये मतलब इमरजेंसी लाइट जो है चार्जर से चार्ज हो रही कि नहीं हो रही है। तो ये देखिए चार्जर है हमारे पास एक पतली पिन वाला, ये देखिए हल्की सी नीली लाइट इसमें जल गई है, बोर्ड में लगा दिया है इस चार्जर को। और लगाने के बाद जो है इसमें लगाएंगे क्या कहते हैं जो हमारे पास इमरजेंसी लाइट है इसमें लगाएंगे। इसमें लगाने के बाद देखिए इसकी भी लाइट जल गई है, और अभी हम आपको जला के भी दिखा रहे हैं, देखिए जल रही है बिल्कुल सही। तो इस तरीके से आप भी रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।